नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश कौशल। एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। भारत के मुख्य धर्मों में सनातन धर्म, इस सनातन धर्म में हमारे जीवन की एक प्रक्रिया है, ये मान के चला जाता है कि एक के बाद एक हम लोग जन्म लेते हैं। अनवरत जन्म और मरण की क्रिया चलती है। जन्म के उपरांत जब बड़े होते हैं, हमारे माता पिता, दादा दादी इत्यादि हमारा पालन पोषण करते हैं और एक प्रकार से हम उनके लिए ऋणी रहते हैं। उन्होंने हमारे जीवन में इतना सब कुछ किया, हम उनके लिए ऋणी रहते हैं। परंतु जब यही बुजुर्ग, यही हमारे पूर्वज जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो ये माना जाता है कि उनका स्नेह हमारे पर रहता है, मृत्यु उपरांत भी रहता है। मृत्यु उपरांत ये जो हमारे पूर्वज हैं, इनको पितर कहा जाता है। ये माना जाता है कि चंद्र ग्रह के पृष्ठ भाग में, दक्षिण भाग में इनका बसर होता है और इनका जो बसर है वो 6 माह तक जो है वो चंद्र के पृष्ठभाग में रहते हैं और जैसे ही सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे कनागत भी बोलते हैं, तो आश्विन मास की कृष्ण प्रतिपदा से, कृष्ण प्रतिपदा से ये धरती पर उतरते हैं और इस आशा में धरती पर उतरते हैं कि हमारे संतान, हमारे पुत्र इत्यादि जो धरती पर हैं, वो हमारे लिए जो उनको भोजन पसंद था जब वो जीवित हुआ करते थे, जो उनकी इच्छाएं थी, उनको पूर्ण करने के लिए वो धरती पर उतरते हैं और अपने पुत्र पौत्र इत्यादि को आशीर्वाद देते हैं। और जो उनकी इच्छाएं होती हैं वो ये मान के चलते हैं कि हमारी संतान, हमारे पुत्र इत्यादि उन इच्छाओं को पूरा करेंगे। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि वर्ष के 3 जो ऋतु होती हैं, बसंत, ग्रीष्म एवं वर्षा, ये देवताओं की, और शरद, हेमंत और शिशु ये पितरों के हुआ करते हैं। हमारा 1 माह पितरों का 1 दिन रात के बराबर हुआ करता है। 15 दिन रात और 15 दिन दिन, ये एक पूरा माह जो होता है उनका पितरों का, 1 दिन हमारे 1 माह के बराबर गिना जाता है। कृष्ण पक्ष अष्टमी से शुक्ल पक्ष अष्टमी तक का जो समय होता है वो पितरों का 1 दिन पड़ता है। अमावस्या इसके मध्य में आती है, इसलिए अमावस्या के दिन को श्राद्ध का बहुत अधिक महत्व माना गया है। श्राद्ध पक्ष, जिसको पितृपक्ष भी बोलते हैं, ये आश्विन प्रतिपदा से लेके आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक चलता है। आश्विन मास का 1-1 दिन जो है पितरों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहता है, उनके पूजन के लिए, उनके श्राद्ध के लिए। श्राद्ध शब्द जो बना है श्रद्धा से बना है। श्रद्धा दीयते यत् तत् श्राद्धम, यानी जो श्रद्धा से दिया जाए वही श्राद्ध है। श्राद्ध पक्ष की जो 1-1 तिथि है, जिसे पितृपक्ष बोलते हैं, अत्यधिक महत्वपूर्ण हुआ करती है। श्राद्ध की अमावस्या को महालय अमावस्या भी बोलते हैं, पितृविसर्जनी अमावस्या भी बोलते हैं। श्राद्ध एक प्रकार से ये पर्व है जिसमें लोग उसे अशुभ मानते हैं, परंतु अशुभ नहीं है। इसमें हम जो है अपने पितरों के प्रति अपने ऋण से उऋण होने का प्रयास करते हैं, उनके कर्ज को वापस देने की प्रयास करते हैं। इसके अत्यधिक महत्वपूर्ण हुआ करता है। वर्ष में श्राद्ध के अतिरिक्त कुछ और दिन हैं जो कि पितरों के श्राद्ध के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्या हैं वो दिन? ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण दोनों, माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तथा वर्ष की हर अमावस्या और संक्रांति। वर्ष की हर अमावस्या, संक्रांति यानी जिस दिन सूर्य एक राशि से दूसरे में प्रवेश करते हैं, ये सभी तिथियां जो हैं श्राद्ध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानती हैं। पितृपक्ष के श्राद्ध मुख्यतः तो तिथियों को ही होते हैं, किंतु तर्पण जो है प्रतिदिन किया जाता है। जिस भी आपके पूर्वज का जिस दिन जो है मृत्यु की तिथि होती है, उस दिन उसका श्राद्ध किया जाता है। पिता के श्राद्ध को पावन श्राद्ध बोला जाता है, पिता के श्राद्ध को पार्णव श्राद्ध बोला जाता है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये कहा गया है कि 3 पीढ़ियों तक ही आप श्राद्ध करें, यानी दादा, परदादा,
और पिता, पिता दादा और परदादा। पिता वसु के प्रतीक हैं, दादा आदित्य के प्रतीक हैं और परदादा रुद्र के प्रतीक हैं। यानी पिता दादा और परदादा, ये इस प्रकार जो चलते हैं। श्राद्ध में आप देवताओं और ऋषियों के उपरांत पितरों की शांति करते हैं, उनके लिए श्राद्ध क्रिया करते हैं। आश्विन की प्रतिपदा जो है ये सभी तिथियों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हर तिथि को श्राद्ध होता है, उस दिन आप तर्पण करते हैं, भोजन देते हैं। 11:36 से लेकर और 12:08 का एक समय है जो हर श्राद्ध में, हर दिन में अत्यधिक शुभ माना जाता है। 11:36 है, 12:24। तर्पण का समय 8 से 11 तक प्रत्येक तिथि को, और श्राद्ध का समय जो है 11:36 से 12:24 तक माना जाता है। मत्स्य पुराण में इसका कहा गया है कि अत्यधिक महत्वपूर्ण समय है। कभी कभार ऐसा होता है कि पितृ जो हैं हमारे बहुत अच्छे स्थिति में अपना जीवन नहीं जीते और वो अशांत मन से जाते हैं, और अशांत मन से जाने के कारण पितृदोष का निर्माण होता है। आपके कुंडली में पितृदोष कैसे होता है, जिसको कि हम श्राद्ध में पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। राहु केतु 12वें स्थान में हो, सूर्य राहु 12वें स्थान में हो, राहु 12वें स्थान में शनि से दृष्ट हो, और 12वें स्थान का स्वामी जो है नीच होकर चतुर्थ भाव में हो। यानी कुंडली में 12वें स्थान का स्वामी चतुर्थ भाव में नीच होकर हो। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी ग्रह 12वें स्थान का स्वामी है, यदि वो चतुर्थ भाव में नीच है तो ये पितृदोष का कारण है। इस प्रकार की स्थितियों में पितृदोष का निर्माण होता है। पितृदोष में कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं जो करनी अत्यधिक आवश्यक होती हैं, एक तो भोजन है, ब्राह्मण भोजन है। परंतु ब्राह्मण भोजन में किस प्रकार के ब्राह्मण को आप भोजन कराएं, जो लंगड़ा ना हो, काना ना हो, किसी का दास ना हो, अंगहीन अथवा अधिक अंग वाला ना हो। श्राद्ध में कुछ और भी नियम हैं जो आपको करने होते हैं, शेव ना करना और पूर्ण ब्रह्मचर्य रखना, स्नान और तर्पण रोज करना है, तेल उबटन साबुन से बचना है, दातुन करने से बचना है, पान खाने से बचना है, अपने घर में श्राद्ध से पहले भोजन करना, दूसरे के अन्न का सेवन करना और ब्रह्मचर्य के प्रति सचेत ना होना। जल्दबाजी में श्राद्ध नहीं करना है, क्रोध में श्राद्ध नहीं करना है, और स्थान परिवर्तन श्राद्ध में आप ना करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ श्राद्ध जो हैं विशिष्ट स्थानों पर हुआ करते हैं। जैसे गया जो स्थान है श्राद्ध में सबसे अधिक उत्तम माना गया है, गया। और माता के लिए काठियावाड़ का सिद्धपुर जो स्थान है उसे अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसे मातृ गया भी बोलते हैं, यानी मातृण से मुक्ति के लिए नवी जो तिथि का श्राद्ध होता है वो माता का माना जाता है। मातृण की मुक्ति के लिए गया का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया, सिद्धपुर स्थान जो है काठियावाड़ का सिद्धपुर। और गया जो है किसी भी आपके पितर के लिए अत्यधिक उत्तम है। कुछ स्थान और हैं जैसे कनखल है, हरिद्वार में, कुरुक्षेत्रा है या पुष्कर है, सभी स्थानों पर आप घर में रहकर भी आप श्राद्ध कर सकते हैं। 3 प्रकार के पितर हुआ करते हैं। जैसे आपके पितर हैं उच्चतम श्रेणी के, जो पितर हैं जो साधु रहे हैं, बहुत उच्च उनका जीवन रहा है, बहुत अच्छा उन्होंने किया है, उनको नादिमुख कहा जाता है, नादिमुख उत्तम श्रेणी के। कुछ मध्यम प्रकार के हुआ करते हैं आपके पितर, जिन्हें पार्वण बोला जाता है। निम्न कोटि के जो होते हैं उन्हें अवर बोला जाता है। निम्न कोटि के होते हैं कि जिनको जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ा है, जीवन बहुत अच्छा नहीं रहा है। आप जिस दिन भी आपने श्राद्ध करना है उसके मुख्य रूप से स्नान इत्यादि करके, नहा धो के आप श्राद्ध की तैयारी करें, और जो समय बताया गया है 8 से 11 के बीच में तर्पण करें, संकल्प करके दक्षिण की ओर मुख करके आप तर्पण करें 8 से 11 के बीच में, और भोजन की तैयारी करके रखें। भोजन में तिल का और पिंड का होना अत्यधिक तिल और पिंड जो है ये तो आप पितरों के लिए करेंगे दान। 3 मुख्य चीज़ें ध्यान रखें श्राद्ध में अत्यधिक उत्तम मानी गई हैं। 1 दोहित्र यानी बेटी का बेटा, ये आवश्यक है। दूसरा जो है वो है तिल, और तीसरा जो है मध्यान्ह यानी दोपहर का समय, ये अत्यधिक उत्तम माना गया श्राद्ध के लिए। पहला हक जो है दोहित्र का है श्राद्ध के लिए। पितरों के लिए कौन कौन श्राद्ध कर सकते हैं,
पितरों के लिए आपकी अपनी संतान, यदि आपके संतान नहीं है तो आपके चाचा, आपके भतीजा, यदि आपका भतीजा भी नहीं है तो आपकी पत्नी, पत्नी भी नहीं है तो आपके कुल का, आपके गोत्र का कोई भी व्यक्ति, अगर वो भी नहीं है तो आपका गुरु, इस प्रकार से जो है श्राद्ध कोई भी कर सकते हैं। परंतु पहला जो स्थान है दोहित्र को दिया गया है, यानी कि नाती को दिया गया है, उसका सबसे पहला हक हुआ करता है और अत्यधिक शुभ माना जाता है यदि दोहित्र जो है आपसे श्राद्ध में वो मौजूद है। श्राद्ध के समय आपको क्या करना है कि यदि आपके पास सामर्थ्य है तो आप पूर्ण विधि से श्राद्ध करें, परंतु यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप फल सब्जी और अन्न का दान कर सकते हैं। यदि आपके पास इतनी भी सामर्थ्य नहीं है तो आप जो है 8 तिल का दान कर सकते हैं। यदि आप में इतनी भी सामर्थ्य नहीं है तो भगवान सूर्य को आप नमस्कार कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं अर्चना के रूप में श्राद्ध क्रिया कर रहा हूँ और भगवान सूर्य मेरे श्राद्ध की क्रिया को स्वीकार करें। श्राद्ध के लिए आप भोजन तैयार करें, तिल आवश्यक होता है उसमें। भोजन तैयार होने पर थाली में उसको 5 जगह पर थोड़े थोड़े 5 भागों में बांट दें। हाथ में जल, अक्षत पुष्प और चंदन लेकर आप संकल्प करें और पितृ स्तोत्र का आपको पाठ करना है, परंतु उससे पहले आपको पितृ गायत्री 3 बार बोलनी है। ओम देव देवताभ्या, ओम देवताभ्या पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। ये पितृ गायत्री मंत्र 3 बार करें, उसके बाद आप जो है पितृ स्तोत्र का पाठ करें और पितृ स्तोत्र का पाठ करने के उपरांत जो है आप पत्ते पर गौबली रखेंगे, 5 गौबली बनाएंगे आप, पत्ते पर गौबली रखेंगे, पश्चिम की ओर देंगे, गाय के लिए होगी वो। फिर होगी श्वान बलि, जनेऊ को आप कंठी के रूप में डालेंगे, आप जनेऊ धारण करते हैं तो कंठी के रूप में उसको धारण कर लेंगे। और ये जो मंत्र है, गायत्री मंत्र है, पितृ गायत्री, इसके साथ आप ये कुत्तों को देंगे, इस मंत्र को आप इस भोजन को कुत्तों को देंगे। तीसरा है काक बलि, यानी कौए के लिए, ये जो बलि है आप जो है मंत्र करके कौओं को भूमि पर देंगे। उसके उपरांत है देव बलि, देव बलि जो है आप शुद्ध होकर पूर्ण रूप से देवताओं के लिए देंगे, अन्न देंगे उनके लिए। पिपील कादि बलि, यानी पत्ते पर, ये चींटियों के लिए हुआ करती है, उनको ये देंगे। इसके उपरांत एक थाली में सभी भोजन को परोस कर आप जो है शुद्ध होकर दक्षिण की ओर मुख करके संकल्प लेंगे। यदि आपको संकल्प नहीं भी आता तो ये आप ध्यान में रखें कि आप संस्कृत में यदि आप नहीं बोल पाते हैं तो ये बोलें कि भगवान आज की स्थिति में मैं इस गोत्र का पिता, गोत्र का मेरा नाम ये है, मैं इस गोत्र का हूँ, संवत 2074 है, आश्विन मास है, ये तिथि है, मैं अपने पितरों के लिए, यानी जो मेरे पिता हैं या दादा हैं या परदादा हैं या कोई भी व्यक्ति जिसका मृत्यु का समय पता ना हो या कोई भी व्यक्ति जिसकी दुर्घटना में मृत्यु हुई हो या लड़ाई में, युद्ध में मृत्यु हुई है, सर्वदंश से मृत्यु हुई है, उसके लिए मैं ये करना चाह रहा हूँ, ये संकल्प करना चाह रहा हूँ। तो ये सारी पंचबली निकाल के उसका आप संकल्प लेके अलग रख दें, संकल्प लेके आप तैयारी करें। फिर ये एक थाली में सारा भोजन आप परोस कर दक्षिण मुख होकर संकल्प लेंगे, सारा भोजन रख के ब्राह्मण भोज का संकल्प लेंगे, ये सारा सामान रख दिया, उसके बाद ब्राह्मण भोज का संकल्प लेंगे और पंचबली निकाल लेंगे और ब्राह्मणों के पैर धोकर उन्हें भोजन कराएंगे। आप 3 पीढ़ियों का, जैसे मैंने कहा पहले भी, श्राद्ध कर सकते हैं, पिता का, दादा का, परदादा का। जैसे मैंने कहा, इन्हें वसु, आदित्य और रुद्र के प्रतीक माना जाता है। और एक बात का ध्यान रखें कि श्राद्ध में जब आप रहेंगे तो पूर्ण रूप से सात्विक रहेंगे, पूर्ण रूप से शुद्ध रहेंगे, कुछ नियम मैंने आपको बताए वो रहेंगे। परंतु याद रखें, इसमें एक त्रयोदशी तिथि हुआ करती है, 13वां श्राद्ध, उस दिन मघा नक्षत्र में चंद्र होने पर और हस्त नक्षत्र में सूर्य होने पर यह तिथि बनती है। ये सबसे अधिक महिमा वाली श्राद्ध की तिथि है। इस दिन जो है त्रयोदशी को आपका कोई भी दुर्घटना में, बीमारी में, इस प्रकार जो है अशांत क्रिया में जिसकी मृत्यु हुई है, वो चतुर्दशी तिथि जो है जिसमें युद्ध हुआ हो, लड़ाई हुई हो,
यानी 13वीं और 14वीं तिथि जो है, जिनका मृत्यु का समय पता ना हो, जिनकी तिथि पता ना हो, अचानक वो गायब हो गए हो, कुछ पता ना हो, 14वीं तिथि जो है दादा दादी के लिए हुआ करती है, और जो अमावस्या है जो अंतिम है, महाले श्राद्ध कहते हैं अमावस्या आश्विन मास की, वो जो तिथि है उस दिन नाना नानी का श्राद्ध भी किया जाता है। सभी श्राद्ध जिस भी आप अपने संबंधी का कर रहे हैं उससे जुड़ी को तिथि करेंगे तो अत्यधिक शुभ रहेगा। याद रखें, यदि आप पूरे पक्ष में श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो अंतिम जो तिथि है अमावस्या के महाले, उस दिन किया गया श्राद्ध हमेशा लगता है। श्राद्ध से बचने की आप कोशिश न करें। हुआ क्या है कि कलयुग में नैतिकता धर्म की कमी है, जीवन अत्यंत कष्टकारी और पापमय हुआ है, मनुष्य अच्छे होने में प्राप्त मनुष्यों को कलयुग में अच्छी योनि प्राप्त होने की संभावना बहुत कम रहती है, अतः मृत्यु पश्चात आत्मा कष्ट में रह सकती है, इसलिए उस आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध अत्यधिक आवश्यक है। आत्मा अब जो पितर हैं वो अवर श्रेणी के आ रहे हैं, यानी पितर जो हैं यानी हमारे पिछली दो तीन पीढ़ियों में कष्टकारी यदि समय जा रहा है, और अब संभावना कलयुग में बढ़ गई है, नैतिकता का ह्रास है, जीवन स्तर और जीवन शैली में काफ़ी पाप का समन्वय हो चुका है, इसलिए अब श्राद्ध की महत्ता कलयुग में बढ़ती जा रही है। श्राद्ध अवश्य करें और श्राद्ध से आपको आपके जो पितर हैं आपको आशीर्वाद देंगे, आपका धन ऐश्वर्य व्यापार वृद्धि संतान का सुख सभी सुखों को प्राप्ति होती है। ये याद रखें कि श्राद्ध के दिनों में प्रतिदिन पितर जो हैं आपके दरवाजे पर आएंगे, सारा दिन इस आशा में रहेंगे कि हमें ये कुछ ना कुछ श्राद्ध के निमित्त जो है हमारे लिए पिंड दान करेंगे, तिल का दान करेंगे और तर्पण करेंगे जो रोज करना है आपको। परंतु यदि नहीं करेंगे तो ये कहा गया कि वो क्रोधित होते हैं, जा सकते हैं और क्रोध में शाप दे सकते हैं, और उनका शाप जो है कहीं थोड़ा भारी पड़ता है। श्राद्ध में ही कई ऐसी समस्याएं होती हैं, जैसे किसी के घर में विवाह ही नहीं हो रहे हैं, बहुत बीमारी रहती है, दुर्घटना होती है, बार बार दुर्घटना होती है, व्यापार नहीं बढ़ रहा है, धनहानि हो रही है, तो समझिए पितृदोष है। तो पितृदोष के लिए विशेष करके जो है श्राद्ध अत्यधिक उत्तम है, पितृदोष के लिए गया अत्यधिक उत्तम महत्वपूर्ण स्थल माना गया है। तो गया, कनखल, कुरुक्षेत्र, पुष्कर इत्यादि, और माता के लिए काठियावाड़ का सिद्धपुर, श्राद्ध को अवश्य करें। वर्ष 2017 में यानी संवत 2074 में महाले पितृपक्ष जो है, श्राद्ध पक्ष जो है, ये 6 सितंबर से आरंभ हो रहा है और 6 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक, 20 सितंबर को जो है अमावस्या पड़ेगी, पितृविसर्जनी या महाले अमावस्या पड़ेगी, ये 15 दिन का ये पक्ष है। इस पक्ष में अत्यधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रह स्थिति विषम है, सूर्य सिंह राशि में चल रहे हैं और साथ में मंगल भी सिंह राशि में चल रहे हैं, दोनों ही ग्रह शनि की दृष्टि में होने से आपका श्राद्ध में कंसंट्रेशन, श्राद्ध में आपकी मानसिकता, श्राद्ध में आपका जो है तन्मयता, ये कम हो सकती है। और श्राद्ध को आप पूर्ण लाभ उठाने के लिए अपने फोकस को बनाए रखें, अपनी मन स्थिति को नियंत्रण में रखें, अपना खान पीन शुद्ध रखें, ब्रह्मचर्या सात्विक जीवन शैली रखें, जिससे आप श्राद्ध पक्ष का पूरा लाभ उठा सकें। धन्यवाद, नमस्कार।